नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और अमानवीय व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हरकतबाज नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर कई तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। ऐसा ही एक मामला बेटमा थाना क्षेत्र में देखने में आया है, जहां एक डॉक्टर ने खुजली का इलाज कराने आई नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें की। घटना बेटमा के सागर रोड स्थित विश्वास क्लिनिक की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम 5 बजे एक 17 वर्षीय किशोरी छात्रा क्षेत्र के बंगाली डॉक्टर लोकेश विश्वास के क्लिनिक पर गई थी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसके शरीर में पिछले कुछ दिनों से खुजली हो रही है, जो काफी इलाज के बाद भी सही नहीं हो रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर ने मेरे भाई को बाहर बिठाकर मुझे एक कमरे में ले गया, फिर शरीर पर पाउडर डालने का कहकर मुझे निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद वह पाउडर लगाने का कहकर बुरी नीयत से प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। पीड़िता ने यह बात घर जाकर अपनी माँ व परिजन को बताई। इससे आक्रोशित परिजनों व हिंदू संगठन ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कल की जो घटना थी, एक नाबालिग बच्ची थी, वो अपने सागर रोड पे एक क्लिनिक है, बंगाली क्लिनिक, वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट कराने गई थी अपने भाई के साथ में। तो डॉक्टर के द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई है ट्रीटमेंट के दौरान, जिसकी सूचना उसने थाने पर दी और अपनी FIR दर्ज करवाई है। उसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, उचित कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता के जो भी स्टेटमेंट हुए हैं और जो उसके द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है, उसी के अनुरूप उसमें धाराओं में कायमी की गई है। इसमें आगे अनुसंधान किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। उपनिरीक्षक संदीप पोरवाल, थाना बेटवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।